गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे थे हम। और एनवायरमेंटल स्टडीज में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से डर्टी वाटर जो है, गंदा पानी जो है, वो क्या करता है, बीमारियों को फैलाता है, बीमारियों को बढ़ाता है। हमने ये भी देखा था कि हमारे इंडिया में जो है कई सारे लोग ऐसे हैं जो गंदा पानी पीते हैं, क्योंकि उन तक साफ पानी अवेलेबल नहीं पहुंच पाता है, उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है, उन तक साफ पानी नहीं पहुंच पाता है। तो फिर क्या है उस सिचुएशन में, अब उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग वो जो डर्टी वाटर है उसे ही कंज्यूम करते हैं, गंदा पानी ही पीते हैं। और उस पानी से वो क्या करते हैं, उस पानी से वो अपनी प्यास वगैरह, अपनी जो डेली रूटीन की जरूरत है उन्हें पूरा करते हैं। फातिमा सा अब फोन पेट बिहाइंड हर स्कूल। फातिमा ने उसके स्कूल के पीछे एक फोन देखा, ऐसे छोटा सा तालाब जैसा या गड्ढे जैसा हम कह सकते हैं। अटेंटिवली शी सॉ एंड सच्स इन इट वाटर, इट्स वाटर। और उसने देखा कि उस तालाब, छोटा सा जो गड्ढा भरा हुआ था, उसके आसपास काफी सारे मच्छर थे, बहुत सारे। लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज वर देयर ऑन वाटर। और उस पानी के ऊपर कई सारे अनगिनत मच्छर बैठे हुए थे। ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट लॉट्स ऑफ मॉस्किटो फ्लू फ्रॉम देयर ऑल्सो। और आसपास जो प्लांट्स उग रहे थे, जो पौधे उग रहे थे, उन पौधों को भी टच करते ही वहां से कई सारे मच्छर जो है वो उड़ते हुए दिखाई दिए। मतलब कि बहुत सारे मच्छर जो थे वो भी वहां से दिखाई दिए। इट मीन्स पानी पे भी मच्छर बैठे हुए, उस पौधे पे भी मच्छर बैठे हुए, काफी सारे मच्छर जो है वहां पर वो प्रेजेंट थे। देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन आउटसाइड फातिमाज हाउस। और फातिमा के गार्डन के बाहर कई सारे एक बहुत ही अच्छा सा गार्डन था। बट इन द इवनिंग शी एंड हर फ्रेंड्स कांट प्ले देयर बिकॉज मॉस्किटोज बाइट एंड डिस्टर्ब अलोन। लेकिन फातिमा और उसके दोस्त जो है वो उस प्यारे से गार्डन में, सुंदर से गार्डन में खेल नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे मच्छर थे और मच्छरों के काटने की वजह से मच्छर जो है उन्हें डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे। तो इस वजह से वो शाम को उस गार्डन में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं पाते थे। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ब्रिंग सम स्टेगनेंट और स्टैंडिंग वाटर इन द ग्लास वाटर फ्रॉम अ बिट अराउंड यू एंड एग्जामिन दिस वाटर। आप खुद भी जाए तो एक गंदा सा पानी एक बॉटल में भर करके देखिए, फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरह का है, किस तरह का आपको उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। इन स्टैगनेंट वाटर वी सी स्मॉल इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटो। आपने देखा जो ओपन पानी, गंदा सा पानी रहता है, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर जो रहता है, उसमें हमें कई सारे मच्छर और कीड़े वगैरह देखने को मिलते हैं। मॉस्किटोज ले देयर एग्स देयर। और मॉस्किटो मच्छरों में क्या होता है कि ऐसे पानी में वो अपने अंडे और ज्यादा देते हैं, एग्स ले करते हैं। और एक मॉस्किटो ने कई सारे मच्छर देता है तो उससे फिर और क्या होता है, मच्छरों की, मॉस्किटोज की क्वांटिटी जो है वो काफी तेजी से बढ़ती जाती है। फ्रॉम विच लार्वा न्यू बॉर्न मॉस्किटो कम आउट। एक अंडे देते हैं, एक साथ कई सारे लार्वा के फॉर्म में निकलते हैं। उस लार्वा से क्या होता है, कई सारे मच्छर जो है वो पनप जाते हैं। लार्वा विल ग्रो बिकम मॉस्किटो। और जब लार्वा जो है वो ग्रोथ करता है, बढ़ जाता है, तो उससे क्या बनते हैं, मच्छर बनते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर नॉट अलाइक देयर पेरेंट्स इन द बिगिनिंग। जितने भी लिविंग रहते हैं और लिविंग बींग जो रहते हैं, मॉस्किटोज वगैरह, ये स्टार्टिंग में तो अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग रहते हैं, थोड़ा अलग दिखाई देते हैं। एज इन केस ऑफ मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई इन द बिगिनिंग दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्वा। लार्वा क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो लार्वा के फॉर्म में होते हैं,
लग जाते हैं, हम इजीली उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। Pankaj play in place in the garden every evening. There are lots of mosquito in the garden. The previous night he felt shivering and later he had high fever. Once he vomited also and then he sweated a lot and his temperature came down. His father took him to the hospital where his blood was tested. Doctor told that Pankaj was suffering from malaria. ये क्या हुआ कि पंकज जो था वो गार्डन में खेल रहा था, खेलता था अक्सर जा जाके, तो एक दिन क्या हुआ मच्छरों ने ज्यादा इसको काट लिया। उसको फिर शाम को रात को जब वो घर में आया तो घर में सोने के बाद में उसको काफी ज्यादा ठंड लगी, वो कप कप आने लगा, शिवरिंग स्टार्ट हो गई बॉडी में और टेम्परेचर जो इसका डाउन चला गया, ठंडा पड़ने लगा, यानी कि उसको फीवर आ गया और आफ्टर दैट उसको वोमिट वगैरह भी हो गई। कम्प्लीटली उसकी तबीयत जो है वो खराब हो गई। तो फिर उसके बाद उसके पापा उसको हॉस्पिटल ले गए, वहां पर उसके ब्लड टेस्ट किया गया तो ब्लड टेस्ट में उसको बताया गया कि इसको मलेरिया हो गया। मलेरिया जो एक डिजीज है जो मच्छरों के काटने से मॉस्किटो बाइट से होती है। तो इस तरह से और भी कई सारी डिजीज है जो मॉस्किटो बाइट से होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से मच्छर जो है वो फैले हुए रहते हैं और किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। यही थी अपनी आज की क्लास। हैव अ गुड डे।